ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजिंग लीनियरली। एक्सलेशन देखो लीनियर बढ़ रहा है, लीनियर मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे लीनियर। और उसका इक्वेशन दिया है बी टी, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट करता ओरिजिन से और उसकी इनिशियल जब टाइम जीरो था तो एक्सलेशन जीरो है और उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है। द डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल इन टाइम टी। अब कितने कितने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे भैया वो काइनामेटिक्स में कुछ सीखे नहीं है, ठीक है, उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। एक्सलेशन यहाँ पे एक्सलेशन बी टी है, एक्सलेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सलेशन वेरिएबल है। तो अगर एक्सलेशन वेरिएबल है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बहुत बड़ा गलती करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करूंगा। तो अगर मुझे एक्सलेशन से डिस्टेंस निकालना है तो एक्सलेशन से डिस्टेंस नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो ये तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही लगेगा, इसको इंटीग्रेट ही करेंगे, ठीक है। तो चलो तो करते हैं हम लोग इसको। अब एक्सलेशन ये इतना है तो हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, टाइम का फंक्शन है, तो हमें इसको डी वी अपॉन डी टी करना पड़ेगा। दैट इज बी टी, दैट इज डी वी, दैट इज बी टी एंड डी टी कहाँ गया। तो जब अब इसको इंटीग्रेट करूँगा, जब टाइम जीरो था तो कितनी थी वेलोसिटी भैया, बी नॉट। जब टाइम टी हुआ तो वेलोसिटी बी हुई, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यह आ जाएगा बी माइनस बी नॉट और हमें मिले जाएगा फाइनली बी टी स्क्वायर बाई टू। दिस इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी को थोड़ा ढंग से लिखूंगा, तो ढंग से लिखूंगा तो बी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू, दैट इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जब वेलोसिटी पता चल गया तो हमें एक्सलेशन भी पता चली जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को लिख दूं, एक्सलेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीएक्स डी वी अपॉन डी टी। क्या कर रहा हूँ भाई, एक्सलेशन हमें पोजीशन चाहिए ना, तो वेलोसिटी को मैं लिख दूं, तो वेलोसिटी भी को लिख दूं डी एक्स ओवर डी टी और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। तो डी एक्स ओवर भी डी टी लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। तो डी एक्स रहा इधर, ठीक है, हाँ डी एक्स रहा इधर और वेलोसिटी उठा के यहाँ से लेके आया मैं, ठीक है, और वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू, बी टी स्क्वायर बाई टू और ये डी टी रहा भाई। तो अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा तो जब टाइम जीरो था तो वो ओरिजिन पे थी, बताया गया है। जब टाइम टी हुआ तो वही तो चाहिए हमें, टी टाइम बाद कितनी पोजीशन ट्रेवल करेगी। तो इधर मिला एक्स और इधर मिला बी नॉट टी और इधर मिला बी टी की पावर 3/6, आता ना इंटीग्रेशन। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, बी नॉट टी, बी टी की पावर क्यू 6 है, एक है भाई, ये सी ऑप्शन सही है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करो, ये वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो।